गाइस देख लिया ना आपने, यहाँ पर इसकी मैंने पूरी नॉइस हटा दी है। तो गाइस यार, यदि आप लैपटॉप पे एडिटिंग करते हो तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ऑडेसिटी से ऑडियो की जो नॉइस है वो आप कैसे रिमूव कर सकते हो। तो गाइस सब कुछ डिटेल पे बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है इवन दीपक और आप देख रहे हैं टोटल हेल्पिंग यूट्यूब चैनल। सो लेट्स बिगिन। तो गाइस सिंपली मैं आ चुका हूँ अपने पीसी स्क्रीन पे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ऑडेसिटी डाउनलोड कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर पे जाना है, गूगल पे जाना है, फिर गूगल पे जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है ऑडेसिटी ऑफिशियल सॉफ्टवेयर। सिंपली आपको ये सर्च करना है, फिर आपको जो फर्स्ट नंबर पे वेबसाइट आएगी डाउनलोड ऑडेसिटी, सिंपली आपको इस पे टैप कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन देखेंगे, ऑडेसिटी फॉर विंडो, ऑडेसिटी फॉर मैकबुक। ये तीन ऑप्शन देखेंगे, आपको फर्स्ट वाले पे टैप कर देना है विंडोज पे, ठीक है, क्योंकि मैं के लिए बता रहा हूं। आप चाहो तो ये जो भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए आप टैप कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद आपको यहां पर देख सकते हो गाइस, ये नीचे ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने लगा है, तो इसे मैं यहाँ पर पॉज कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसे इंस्टॉल करके रखा हुआ। तो इस तरह से ये जो सॉफ्टवेयर है आपका डाउनलोड हो जाएगा, अदरवाइज यदि नहीं होता तो आप नीचे ये और भी ऑप्शन दिए हुए हैं। अब मैं इसे यहाँ से मिनिमाइज कर देता हूँ, डायरेक्ट आपको बताता हूँ गाइस की ऑडेसिटी पे नॉइस को कैसे रिमूव करते हैं, ठीक है। तो गाइस मैं यहाँ पर ऑडेसिटी को सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर ऑडेसिटी को ओपन कर लिया है, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना ऑडियो सिलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पर मैं ओपन पे जाता हूँ और ओपन पे जाने के बाद मैं अपना एक ऑडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपनी फाइल पे जाता हूँ और यहाँ पर मैंने अपना एक ऑडियो सिलेक्ट कर लिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो गाइस, यहाँ पर जो स्टार्टिंग पे मैंने कुछ एरियाज छोड़ा हुआ, आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने जानबूझकर ये एरियाज छोड़ा हुआ है, क्योंकि जब भी हम कोई नॉइस रिमूव करते हैं गाइस तो पहले नॉइस प्रोफाइल देना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर आपको स्टार्टिंग पे जब भी आप कोई ऑडियो रिकॉर्ड करें तो आप सबसे पहले स्टार्टिंग पे कुछ गैप छोड़ दें, ताकि आपको नॉइस निकालने में आसानी जाए, ठीक है। तो गाइस मैंने यहाँ पर ये छोड़ दिया। सबसे पहले मैं आपको ये वाला ऑडियो सुना देता हूं, कितनी इसमें थोड़ी बहुत नॉइस है, तो मैं इसको कैसे रिमूव करूंगा, ठीक है। गाइस यदि आपका फोन खो गया है, तो गाइस आप लोगों ने सुन लिया और यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि यहाँ पर इतनी ये नॉइस है और इसको कैसे रिमूव करना है वो चीज मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लेना है ऐसे माउस से, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पर इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाना है और नीचे यहाँ पर नॉइस रिडक्शन का ऑप्शन है, इस पे जाना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर गेट नॉइस प्रोफाइल पे टैप कर देना है। इसके बाद ये नॉइस प्रोफाइल हो गई, आपको सिंपली यहाँ पर साइड पे टैप करना है, ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको फिर से इफेक्ट पे जाना और रिपीट नॉइस पे टैप कर देना है। इसके बाद आप देखोगे गाइस यहाँ पर ये नॉइस निकल चुकी है। अब आपको ये इतने जितने बार करना है जब तक कि आपकी यहाँ पर पूरी नॉइस खत्म ना हो जाए। फिर से आपको यहाँ पर नॉइस प्रोफाइल देना है, जैसे कि एंड पे भी मेरे को ये थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है नॉइस, तो मैं यहाँ पर एंड पे इसे सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, और इसकी नॉइस प्रोफाइल दूंगा। इफेक्ट पे जाऊंगा, फिर नॉइस रिडक्शन पे जाके मैं इसे गेट नॉइस प्रोफाइल दे दूंगा, ठीक है। ये प्रोफाइल हमने दे दी और फिर से पूरा सिलेक्ट करूंगा इसका, फिर इफेक्ट पे जाके रिपीट नॉइस रिडक्शन पे क्लिक करूंगा। इसके बाद आप देख पाओगे गाइस यहाँ पर ये पूरी नॉइस यहाँ पर निकल चुकी है। तो कुछ इस तरह से आप अपने ऑडियो को गाइस यदि आपका फोन खो गया है या फिर आपका फोन टूट गया है, गाइस देख लिया ना आपने, यहाँ पर इसकी मैंने पूरी नॉइस हटा दी है। तो कुछ इस तरह से आप ऑडेसिटी पे अपने ऑडियो को एडिट कर सकते हो गाइस। इसके बाद अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसको सेव कैसे करना। तो गाइस सबसे पहले आपको करना क्या है, फाइल वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पर नीचे एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर आपको एक एक्सपोर्ट एज MP3 होगा, तो आपको इस पे चले जाना है। इस पे जाने के बाद गाइस ये आपकी लोकेशन पूछेगा कहाँ आप सेव करना चाहते हो, तो लोकेशन मेरी सही है नॉइस फुल, मैं इसका नाम और भी दे देता हूँ, इसका मैं नाम दे देता हूँ विदाउट नॉइस, ठीक है। तो विदाउट नॉइस मैंने इसका नाम दे दिया और सिंपली आपको यहाँ पर सेव के बटन पे टैप कर देना है। जैसे आपसे यहाँ पर ऑथर का नाम पूछेगा, मैं अपना नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अपना नाम दे दिया है गाइस और सिंपली आपको यहाँ पर ओके के बटन पे टैप कर देना। आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट भी हो गया यानी सेव हो गया, ये आपकी फाइल पे सेव हो गया हुआ। बाकी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। यदि आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना गाइस, आपके एक लाइक से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है यार, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। बाकी हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।